You are watching FNI News. सुनो ताए भी सुनो पाए भी सुनो तुम भी सुनो तुम भी सुनो। पर सुनना क्या है? मैं सुनाती हूँ ना। अच्छा आकाश एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो आज क्या तारीख है? नहीं मुझे तो याद नहीं। क्या आप में से कोई जानता है आज क्या तारीख है? 24 मार्च। क्या किसी को पता है 24 मार्च की क्या खासियत है? नहीं। तो आइए मैं बताती हूँ। 24 मार्च को हर वर्ष टीवी दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये तस्वीरें हैं किंजरे कैंप स्थित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल की, जहां 24 मार्च यानी वर्ल्ड टीबी डे के दिन एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की गई। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से बचाव के तरीके और इसके शुरुआती लक्षणों को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से एक पैदल मार्च भी आयोजित की गई। इसमें किसके जो लक्षण होते हैं, जो लंबी चलने वाली खांसी होगी जो ठीक नहीं हो रही, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बुखार, लो ग्रेड फीवर होता है और रात में पसीने आते हैं, इसमें वेट लॉस होता है, लॉस मतलब भूख कम लगती है, वज़न कम होता है, ये सब अगर किसी को भी ये सिम्टम्स हों तो उसको आके अपना जांच कराना चाहिए। भले ही 24 मार्च को देश भर में सांकेतिक रूप से टीबी को लेकर कई कार्यक्रम किए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना होता है, लेकिन राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे साल चलाए जाने चाहिए ताकि बहुत जल्द भारत को इस बीमारी से मुक्त करवाया जा सके। फील्ड में जाके सबको एक अवेयरनेस एक क्रिएट करने के लिए हम रैली भी करते हैं, कम्युनिटी टॉक्स करते हैं वहाँ जाके, और हर जो पब्लिक को अवेयर कराते हैं टीवी के लक्षण के बारे में। 2 हफ्ते खांसी हो तो आपको दिखाना चाहिए, एक बबलगम जांच कर लेना चाहिए, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो तो आपको टीबी का जांच कर लेना चाहिए। वहीं इस बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाने वाले अमित खारी बताते हैं कि किस तरह हर वर्ष वर्ल्ड टीबी डे पर वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च के उपलक्ष्य में, एक जो मरीज हमारे जो टीबी का इलाज लेके ठीक हो चुके हैं उनकी एक रैली निकाल रहे हैं, और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इस रैली के माध्यम से सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीबी अगर हो भी जाए तो उससे डरना नहीं है और पूर्ण इलाज लेकर के इससे मुक्ति पाई जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बीमारी काफ़ी गंभीर है और इससे लेकर आपको कुछ अधिक सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है, लेकिन इस सब के बावजूद बेवजह डर का माहौल बनाना सही नहीं होगा। ये कहना है उन मरीजों का जिन्होंने इस बीमारी को हराने में सफलता पाई है। टीबी पहले से जो समाज में एक स्टिग्मा के टीबी का तरफ स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। और टीबी लाइलाज नहीं है, अभी बहुत नया दवाई इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो सरकार भी हमारा जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के दौरान हमने टीबी पर बहुत प्रायोरिटी दिया हुआ है, हर जांच इलाज इवन जो कल्चर फॉलोअप सब फ्री है। टीबी खतरनाक बीमारी है लेकिन लाइलाज नहीं है, कहने का मतलब कि इसका पूर्ण रूप से इलाज है अगर लोग सही तरीके से इसका ये लेते हैं। खतरनाक तो है, चलो ठीक है, टीबी होने के बाद लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका इलाज 6 महीने से लेकर 2 साल तक है। डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि देखो टीबी ऐसी बीमारी नहीं है, इससे बच सकते हैं, आप खाली अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान रखना और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना। डॉक्टर ने सब मतलब डॉक्टर यहाँ के सारे बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर ने जाँच लिखी, सारे टेस्ट हुए, फिर स्टार्टिंग में MDR की दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे 6 मंथ तक वॉमिट हुई, लगा कि हाँ भाई अभी भी नहीं बचूंगी नहीं बचूंगी, फिर धीरे 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 सुधार हुआ,
टेस्ट हुए, रिजल्ट नेगेटिव आता रहा, फिर दोबारा टेस्ट होता रहा, नेगेटिव आता रहा, फिर मैं आज बिल्कुल ठीक। आम आदमी का मानना है कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है जिससे उभर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके दिगर जानकार बताते हैं कि आज टीबी का इलाज न सिर्फ बहुत सरल है बल्कि इससे पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। कैमरामैन प्रेम सागर के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।